हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसवेक लगमेंट 2020 का पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। सो आज के सेशन में अपने डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर 2019 में जो दो शिफ्ट हुई उसमें क्वांट का कैसा पेपर आया, और अगर वैसा पेपर आता है या उसे थोड़ा आसान या डिफिकल्ट आता है तो अपने उस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर पिछले साल का मैं देखूँ तो शिफ्ट वन में क्या था, डीआई के आपके तीन सेट थे और इसमें 19 to 20 क्वेश्चंस थे। पहली डीआई एक पाई और टेबल को लेके थी जिसमें पाई चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन थी, जैसे परसेंटेज ऑफ मेल या फीमेल कुछ दिया हुआ था, राइट। यहाँ परसेंटेज दी हुई थी और टेबल में नंबर्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ आइदर मेल और फीमेल कुछ दिया हुआ था। डूएबल थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी परसेंटेज पे कमांड अच्छा है तो ये डीआई करने लायक। दूसरा था डीआई जिसमें बार और टेबल था। ये डीआई न्यू टाइप की थी एक तरह से। इसमें मैंने आप तो अपने जो रेगुलर सेशंस में इसको एक या दो बार करवा भी दिया आपको, एवरेज से रिलेटेड डीआई थी। एवरेज में क्या दिया हुआ था, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई 4 या 5 क्लासेस थी, उन क्लासेस में बॉयज और गर्ल्स का। तो आई थिंक बार ग्राफ में बॉयज का एवरेज वेट पर्टिकुलर क्लास का और पूरी क्लास का एवरेज दिया हुआ था, और टेबल में कुछ रेशियो या कुछ बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ था इन दोनों का। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आपका कंप्लीट इनडेप्थ क्लियर है तो ये बन पा रहा था, अदरवाइज एग्जाम के प्रेशर में ज्यादातर बच्चों से ये डीआई नहीं बना। देन एक टेबुलर डीआई था, ये आसान था, ये भी डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड था। ये कोई परसेंटेज रीड पेजेज और बुक्स को लेके, परसेंटेज इसके इतने रीड पेजेज हैं इतने अनरीड पेजेज हैं, उन्हीं से रिलेटेड थोड़े से स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको परसेंटेज एग्जाम का प्रेशर अगर आपने अभी नहीं होने दिया, उस डीआई को थोड़ा सा पढ़ा, टाइम दिया कि क्या पूछना चाह रहा है। देखिए मेंस में जो भी आपके कन्वेंशनल डीआई जो लॉजिकल नहीं होगी, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई लॉजिकल डीआई आपके आएगी, आएगी तो कोई हो सकता है 3-4 मार्क्स की कोई एक सिंगल आ भी जाए तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जो कन्वेंशनल डीआईज है उन कन्वेंशनल डीआईज में भी थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आप उसको देखते ही वो बने ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको 10-20 सेकंड उसको जो लैंग्वेज है उसको स्टडी कीजिए और ये समझिए कि वो क्या आपको गिवन क्या है और क्या निकालना, राइट। उसके बाद वो बन जाए। डाटा सफिशिएंसी के भी 5 से 6 क्वेश्चन, इसमें आई थिंक एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से बन रहे थे। रोंग नंबर सीरीज के भी 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसमें कम से कम आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें 2 आपको नंबर सीरीज सोल्व करनी पड़ रही थी फिर आंसर आ रहा था, और 2 क्वेश्चन आई थिंक 1 या 2 ऐसे थे जो जो से कन्वेंशनल क्वेश्चन है वैसे। फिर बाकी के मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी, इसमें भी कुछ करने लायक थी कुछ कैलकुलेटिव थी। ओवरऑल लेवल अगर आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर हावी नहीं हुआ तो आप आराम से बना सकते थे पेपर को, और थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव मेंस का होगा। यहां मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूंगा, भले वो डाटा सफिशिएंसी में हो या क्वांटिटी कंपैरिजन में हो या आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक में, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ट क्वेश्चन हैं तो उनमें दिमाग, अगर आपको इनडेप्थ नॉलेज है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो टाइम कम लगाइए क्योंकि यहाँ सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेकेंड शिफ्ट में भी कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। डीआई यहाँ भी 3 थी, एक एसलेट थी जिसमें अगर आप लोगों को अभी कुछ ने आप में से पेपर दिया होगा जो एयर ट्रेवल कुछ रूट्स थे, एयर रूट्स को लेके था, राइट। और कुछ शायद 1 या 2 ट्रेवल एजेंसीज थी, एक लंबा छोटा पैराग्राफ था, कुछ उसमें उसमें ब्लैंक्स दिए हुए थे उस जिसमें आपको फिल करना था, उसमें डिस्टेंस है जो कोई प्लेन है वो टेक ऑफ जैसे आपके चेन्नई से करती है दिल्ली जाती है, दिल्ली से दुबई जाती है, दुबई से न्यूयॉर्क जाती है, कुछ इस तरह का था। ऐसा था कि आपने देखते ही अगर ये मान लिया कि ये मेरे से नहीं बनेगा, नहीं बना, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचो आपने तो वो बना, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती। एक जो डीआई था वो था आपके डबल पाई चार्ट, इसमें एक पाई में आपके कुछ सर्टेन किसी कंपनी के डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे जैसे HR, IT और ये उनमें, और उसमें कोई परसेंटेज दी हुई थी मेल या फीमेल की, और दूसरे में या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टोटल शायद जो इम्प्लॉयज का कुछ नंबर दिया हुआ था, इस तरह का था, डबल पाई का था। थोड़ा सा कूल रह के करें, कैलकुलेटिव था लेकिन डूएबल था। बार ग्राफ पे एक था
वो परसेंटेज बेस्ड था लेकिन मुश्किल था, परसेंटेज बेस्ड था प्योरली। एक आपको ध्यान आ रहा हो तो पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड, कुछ लोग जिन्होंने पासपोर्ट को रिन्यू करवाया उसकी परसेंटेज, और फिर कुछ ऐसे थे जिन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें मेल और फीमेल का अलग फंडा था। ये मुश्किल क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव भी था, राइट। तो ये तो रहा डीआई का। देन डाटा सफिशियंसी के 5-6 क्वेश्चन थे, उसमें भी वही था कि कम से कम 3 क्वेश्चन ड्यूएबल थे, एक आध क्वेश्चन कोई प्रोबेबिलिटी या परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे भी था, और क्वांटिटी कंपेरिजन में भी प्रोबेबिलिटी का एक आध क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले डूएबल थे, राइट। मिसलेनियस अर्थमेटिक में भी ज्यादातर क्वेश्चंस डूएबल थे, बट थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ये जो जो शिफ्ट है, आई थिंक शिफ्ट 1 की बजाय थोड़ी सी कैलकुलेटिव और मुश्किल की तरफ थी क्वांट की। रीजनिंग उल्टा था, रीजनिंग में आई थिंक सेकेंड शिफ्ट शायद थोड़ी आसान आई और फर्स्ट मुश्किल थी, और क्वांट का उसका इस तरह से इसको पेपर को बैलेंस किया हुआ था दोनों। तो इसमें एक चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगा, इस साल भी आप ये मान के चलिए कि डीआई तो एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स की डीआई आपको मिलनी ही मिलनी, राइट। कोई 3-4 मार्क्स की कोई लॉजिकल मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कन्वेंशनल ही होगी, बट कन्वेंशनल डायरेक्ट नहीं होगी। परसेंटेज बेस्ड डीआई है, उसमें भी आप पूरा गेम है वो लैंग्वेज का होगा। आप उसकी लैंग्वेज को स्टडी कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर डीआई को शुरू कीजिए, राइट। बिल्कुल देखते ही आपको सरेंडर नहीं करना है कि ये डीआई मेरे से नहीं बनेगी, डीआई आपसे वो बनेगी, राइट। और उसके अलावा जैसे मैं बताऊं, इसमें जैसे डीएस है, क्वांटिटी कंपैरिजन है, मिसलेनियस अर्थमेटिक है, या जैसे कहीं किसी को कोई नंबर सीरीज भी मिल गई तो, राइट, अप्रोक्सीमेशन की पॉसिबिलिटीज कम लग रही है, नंबर सीरीज जरूर मिलेगी लेकिन वो कन्वेंशनल नहीं मिलने की संभावना है, थोड़ी लंबी मिलेगी, तो उसमें कूल रहिए, बना लीजिए, बन जाएगी, नहीं बनती देखिए छोड़ दीजिए। और क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी में भी आसान क्वेश्चन ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, मिसलेनियस अर्थमेटिक में भी वही। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो पहला काम आपको करना है कि आसान क्वेश्चन उसमें ढूंढिए, सब नहीं मुश्किल होंगे, कम से कम 40% पार्ट ऐसा जरूर होगा जो डूएबल होगा, उस डूएबल को मत छोड़ देना। किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप उलझ गए और आपने टाइम पूरा वेस्ट कर दिया तो मुश्किल है। सबसे पहले अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबसे पहले आसान पार्ट ढूंढ के कुछ क्वेश्चन बनाइए और फिर थोड़े कैलकुलेटिव की तरफ जाइए। बिल्कुल कोई अपने ये नहीं लेके जाना है कितने क्वेश्चन करके का, कोई टारगेट नहीं लेके जाना, कोई प्रेशर नहीं लेके जाना, अपना बेस्ट दे के आइए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब आपका अच्छा ही होगा। जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उन सभी को एडवांस में चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए ग्रेट।